सूरज की पहली किरणें पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों में झांकने लगी थी। दुकानों के ताले खुलने की खटपट शुरू ही हुई थी कि मोहन अपनी रिक्शे को धक्का लगाते हुए निकल पड़ा। मोहन शायद इस शहर का सबसे भला आदमी था। ईमानदारी उसकी पूंजी थी, मुस्कान उसका व्यापार। हर रिक्शा वाले की तरह उसे भी सवारियों की तलाश रहती थी, मगर कभी ज्यादा किराया लेने का लालच उसके मन में नहीं आया। अक्सर तो कम दूरी के लिए भी वो मना कर देता, ये कहकर कि आगे वाले को ज्यादा फायदा होगा। एक दिन एक साहब सवार हुए, उनका सामान काफी था। मोहन ने उन्हें दूर का सफर समझ किराया पूछा। साहब ने एक रकम बताई जो बाजार भाव से काफी ज्यादा थी। मोहन थोड़ा झिझका, फिर बोला, साहब ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आप थोड़ा कम कर लीजिए, नहीं तो आगे चलकर कोई और मिल जाएगा। साहब चौंके, उन्हें यकीन नहीं हुआ कि आज के जमाने में भी ऐसे ईमानदार लोग हो सकते हैं। उन्होंने किराया कम कर लिया और मोहन को दुआएं देकर चले गए। कुछ दिनों बाद वही साहब फिर मिले। इस बार उनके पास कोई सामान नहीं था। उन्होंने मोहन को पहचान लिया और एक दुकान पर बिठाकर खूब अच्छी चाय पिलाई। बातों ही बातों में पता चला कि साहब एक बड़े अफसर हैं। उन्होंने मोहन की ईमानदारी की बहुत तारीफ की और कहा, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी पूंजी है, इसे कभी खोना मत। कुछ समय बाद उस अफसर साहब ने मोहन को परेशानी में देख उसकी मदद की। दरअसल मोहन के बेटे का ऑपरेशन होना था, जिसका इंतजाम मोहन के लिए मुश्किल था। साहब ने सारी व्यवस्था करा दी। इस तरह ईमानदारी, जो मोहन की पूंजी थी, वक्त आने पर उसके बहुत काम आए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मोहन की ईमानदारी की वजह से लोग उसे पसंद करते थे, उसे आसानी से सवारी मिल जाती थी। इस तरह ईमान का फल मोहन को सुख और सफलता के रूप में मिला।